रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की मूलभूत आवश्यकताओं में गिनी जाती है, पर इन तीनों के अलावा आज इंसान की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, या यूं कहें कि सबसे बड़ी लत है, मोबाइल। लोगों को देखकर समझ नहीं आता कि मोबाइल डिवाइस है या उनका जीवन। बच्चों के हाथ में कॉपी हो या ना हो, पर मोबाइल जरूर मिलेगा। युवाओं के पास रोजगार के लिए नौकरी भले ही ना हो, पर मोबाइल में चलाने के लिए व्हाट्सएप और गूगल पर वक्त बिताते युवा आपको जरूर मिलेंगे। मोबाइल का इस्तेमाल फोन पर बात करने और एक दूसरे से कन्वर्सेशन के लिए किया जाता था। फिर धीरे धीरे ये लोगों का शौक बन गया और अब लोगों की ये आदत बन चुका है, और ये आदत अब ऐसी लत में तब्दील हो चुकी है जिसके दुष्परिणाम आने लगे हैं। आजकल ये देखिएगा कि आजकल मोबाइल का, टीवी का, कंप्यूटर का इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है हमारे समाज में, और इससे बचना नहीं संभव है क्योंकि सब लोगों के लिए बहुत जरूरतमंद हो गई ये चीज़। लेकिन इसका आँखों पर बहुत प्रभाव आ रहा है, और हम ये देख रहे हैं कि बच्चों में स्पेशली ये दिक्कत बहुत बढ़ती जा रही है। ज़्यादातर बच्चे आजकल हमारे पास जो आते हैं, उसमें बच्चों को पहले हेडेक की प्रॉब्लम बहुत कम थी। एक ज़माने में हेडेक बच्चों में मुश्किल से देखने को मिलता था, लेकिन अब सिर दर्द की परेशानी बच्चों में ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है, और ज़्यादातर कारण ये मोबाइल और टीवी ही इसका कारण है। दूसरा, इसमें कंप्यूटर पर देख कंटिन्यूस फोकस करने की वजह से ड्राइनेस का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, और ड्राइनेस से आंखों में चुभन रहना, भारीपन रहना, नींद डिस्टर्ब हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम से भी बहुत हो रही हैं। आंखें हमारे शरीर का नाजुक अंग है, दुनिया को देखने का माध्यम है, पर मोबाइल फोन की बढ़ती लत हमारी आंखों पर बुरा प्रभाव डाल रही है। मोबाइल फोन से निकलने वाली रेजर दिन प्रतिदिन हमारी आंखों की देखने की क्षमता को कम कर रही है। डॉक्टर असीम अग्रवाल ने बताया कि पहले बच्चे आउटडोर गेम खेलते थे जिससे उनकी हेल्थ भी ठीक रहती थी और बच्चे भी तंदुरुस्त रहते थे, पर अब बच्चे मोबाइल फोन में लगे रहते हैं जिसकी वजह से बच्चों की देखने की क्षमता में कमी आने लगी है, और फिर बच्चों को कम उम्र में ही चश्मा लगवाना पड़ता है। कई बार देखा गया है कि मोबाइल फोन, लैपटॉप के घंटों इस्तेमाल से आंखों में दिन भर थकावट और दर्द बना रहता है। ऐसे ही परेशानियों के इलाज के लिए डॉक्टर असीम अग्रवाल के पास पहुंच रहे हैं ये मरीज। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़, आगरा।